बिहार में राहुल गांधी पर केस दर्ज, देश की छवि खराब करने का आरोप। विदेशों में भारत की कमियां गिनना, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अब महंगा पड़ सकता है क्योंकि इस मामले में अब राहुल के खिलाफ एक केस भी दर्ज हो गया है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक परिवाद दायर की गई है। यह परिवाद आईपीसी की धारा 153B, 500 और 504 के तहत सीजेएम कोर्ट में दायर किया गया है। राहुल के खिलाफ यह परिवाद एक अधिवक्ता ने दायर किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल पर विदेशों में देश की छवि खराब करने और गलत बयान देकर देश की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दायर किया है। इस मामले में कोर्ट में 4 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के हैम्बर्ग में अपने भाषण में कहा था कि भारत के पुरुष समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता और इस वजह से इस देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले भी बढ़ते रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान के पुरुष महिलाओं को सम्मान के भाव से नहीं देखते। राहुल के इस बयान के बाद उनकी बहुत निंदा की गई थी और अब इस मामले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है।